ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यार हम जा रहे हैं उधर डोगर मोटर पे आपके अंकल है ना हाँ हाँ मैंने उनकी वीडियोस देख रखी है डोगर साहब माशाल्लाह प्रोटोकॉल ही नहीं स्पाइक दैट्स द रॉन्ग नंबर ये बेटा जी आ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम गाड़ियाँ किधर गई हैं यार सारी गफूर भाई सारी गाड़ियाँ किधर यहाँ पे गाड़ियाँ कहाँ गई हैं ये कोई भी नहीं गाड़ी खड़ी इधर ये आपको उस्ताद ही बता सकते हैं किधर कोई सीन पड़ा क्या है बस सरप्राइज ही है आप जाएं उस्ताद से पूछें किधर है अंदर बैठे हैं ऑफिस में अंदर बैठे हैं मैंने कोई जाके पूछिए गड्डिया कड्डन जा रहे हैं गड्डिया भाई कितने कितने गड्डिया ला रहे हो जा रही है फिर बस सरप्राइज है उस्ताद से जाके पूछे चलो मैं जाके पूछ लेना नहीं कोई गल है यार ये तो उन्होंने सारी गाड़ियाँ बैठ निकाल दी मैं तो अभी यहाँ से रैंडम नहीं गुजर रहा था मैंने देखा गाड़ियाँ नहीं खड़ी चल के पूछते हैं अंदर जाके गाड़ियाँ किधर गई यार ये दैट्स नॉट द वे देखो ना चोर खाली खाली लग रहा है यहाँ से ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे क्या अभी चल के पूछते हैं ज़रा कि गाड़ियाँ इन्होंने किधर खड़ी की हैं चलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अच्छा मैं आपको आप तो बोलते ही नहीं है यार असल में ना मैं ना डाइट पे हूँ मुझे कमजोरी फील हो रही है पिछले दो दिनों से अच्छा मैं तो यार यहाँ से रैंडम नहीं गुजर रहा था मैं अपना एक काम जा रहा था तो गाड़ियाँ किधर गई सारी क्या सीन है फिर यार हम जा रहे हैं उधर डोगर मोटर पे आपके अंकल है ना हाँ हाँ मैंने उनकी वीडियोस देख रखी हैं हाँ शहजाद साहब हाँ। यार वो काफी दिनों से कह रहे थे कि आपने हमारे पास आना है हमारे पास आना है मैंने आपको भी इसीलिए कॉल की थी कि आज अच्छा, इन्होंने मुझे कहा कि तुमने हम ना एक जगह जा रहे हैं क्या तुमने जाना है मैंने कहा नहीं आप हो मैंने जरा ना कहीं और मेरा निज़ाम कहीं और है तो फिर मुझे भी ले जाए बिकॉज पता क्या हुआ मेरा निज़ाम कैंसिल हो गया ना लाइन पे अच्छा चलो आ जाए चलते हैं। चलते हैं। तो अच्छा मेरी बात सुनो ये गाड़ियाँ फिर आगे पीछे क्यों की हैं यार वो हम माशाल्लाह जाएंगे पूरे प्रोटोकॉल के साथ यार अच्छा पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाना चाहिए यार। अच्छा चलो जी खैर चलते हैं जरा कहाँ जाना है डोगर मोटर जी डोगर मोटर जाना है बिकॉज उन्होंने बुलाया हुआ था खैर अभी निकलते हैं जी डोगर मोटर के लिए चलो चलो यार जल्दी से चलो फिर लेट हो रहे हैं व्लॉग शुरू कर लिया तुम क्या व्लॉग शुरू कर लिया व्लॉग अभी बाद में शुरू करते हैं आज पहले पहले दुरूद पाक पढ़या कर वो तो मैं पढ़ता हूँ हाँ तो उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वगैरह करके शुरू कर यार बस थोड़ी देर तक करते हैं अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग होगी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खैर करियत से होंगे और मजे में होंगे तो खैर यार आप लोगों में से किसी ने बताया किसने बताया अबू जी को मैं 17-18 मिनट जाके व्लॉग को स्टार्ट करता हूँ लेकिन कोई नहीं हम लोग जल्दी स्टार्ट कर लिए करेंगे खैर अभी ये सीन कुछ इस तरह का है कि अभी हमने जाना है आज हमारी जी कोलैबोरेशन है कार नूनेक्स डोगर मोटर तो उधर जाना है तो फिलहाल जी गाड़ी शड़ी रेडी है सारे बंदे बुंदे भी रेडी हैं चलते हैं अब लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूँ एक बिग सरप्राइज आने वाला है मेरे वाले सरप्राइज से हट कर जो ये आज वाली कोलैबोरेशन है ना ये वाला आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है तो सरप्राइज की अपडेट लेने के लिए सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब अभी करो वीडियो को लाइक करो आगे शेयर करते जाओ ताकि जो उनका सरप्राइज है वो मजीद लोगों तक फैल सके और आप सब लोगों का फायदा भी हो सके तो खैर अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं जरा डोगर मोटर जो उनकी गाड़ियाँ हम लोग लेके जा रहे हैं वो एक आगे ये है हैवेल वो GLI वो XLI वो फॉर्च्यूनर और ये प्रियस चार हनुमान भाई कितनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हो कौन कौन सी हैवेल होंडा कौन सा वो रेड वाइन यार बंदे हम लोग थोड़े काम में गाड़ियाँ लाते हैं चलो जी ओके जी तो खैर फाइनली जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग शोरूम से निकल चुके हैं यार मुझे लगता है हमारी एक गाड़ी रह गई है बस आ रही है वो प्रोटोकॉल वाली गाड़ी आ रही है प्रोटोकॉल वाली हाँ तो मेरे प्रोटोकॉल ऑफिसर उसमें होते हैं अच्छा अच्छा तो फिर आगे कहीं पे साइड पे खड़ी करके उनका वेट बस कर लेते हैं बिकॉज़ ऐसे फिर वो प्रोटोकॉल आपकी गाड़ी है ऑफिसर साफ जहर है अच्छा जी खैर हमारी एक गाड़ी पीछे रह गई है साइड पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो फिर उनको भी साथ लेकर चलते यार यार मैं तनुष कह लानी है भाई मन चीमा कहना अच्छा चीमा नहीं कहना मैनू
नहीं मेरा भरा है। चलो जी जान जी चले फिर। तेनू नहीं खाना खवाया सो की केशी से सानू तो रात उन्हें खुला केशी का तुम खाना खवाया घर का है तो मैं नहीं याद आया यार तुम तुम मेरे को वीडियो रिपोस्ट करा लेंगे हो तो रोटी वाली मैं नहीं याद आया चलो मैं कल ताड़े को लाना जी कल मैं आना जी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा मैं कल ताड़े को पहुंच जाना जी ताड़ी परीक्षा बंद करा देंगा मैं ओही ना ओ भाई वीडियो रिपोस्ट करानी होए तो हैदर याद आंदा है उस तो पहले याद नहीं आंदा हैदर चलो कोई नहीं कोई नहीं। हां जी बॉस कहां वैसे जाना कहां है यार हमने जाना अल जलील गार्डन अल जलील गार्डन ओके वैसे एक बात बताएं पिछले दिनों आपने कहा था कि कुछ सरप्राइज आने लगा है तुमने बोल के नहीं इंशाल्लाह वो आपके लिए सरप्राइज भी आना वाला और पूरी कार्टून फैमिली के लिए भी आने वाला। अच्छा पूरी कार्टून फैमिली के लिए भी एक सरप्राइज होगा जहाँ पे हम सारे एक जगह इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। ये कल या परसों आया वीडियो बना के मैंने चढ़ा देनी। अच्छा खुद ही चढ़ा देनी। आप अकेले अकेले कर रहे हैं क्या हम नहीं कर सकते। चलो आपने आप अकेले ना करके दिखाना। हाँ कर लेंगे कौन सा मसला है। चलो जी निकले फिर पीर साहब आ रहे पीर साहब को लेते हैं फिर निकलते हैं। क्या करनी होती है दुआएं करनी है। चलो जी निकलते हैं जी आगे। चलो जी तो खैर फाइनली जी वो सामने जा रही है गाड़ी। यार ये प्रोटोकॉल पे देखें ये आपकी कौन सी गाड़ी है भी देखें ये यार। हाँ पीछे भी मैंने दिखाई है सारी दिखाई है ये अभी जी न्यू है जा रही है ये तो जा रही है ना। तो फिर आपको पता होना चाहिए भी मेरा प्रोटोकॉल जा रहा है। ओके बॉस बॉस और कुछ बस और कुछ भी नहीं। बॉस कितने मिनट का रास्ता है यहाँ से मेरे ख्याल आधे घंटे का होगा। आधे घंटे का नहीं है 16 मिनट का सिर्फ 16 मिनट का रास्ता है जी। तो खैर अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम निकलते हैं जी अल जलील गार्डन डोगर मोटर जी अभी हमने जाना है। चलते हैं दिखाते हैं जो जो कुछ भी होगा सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं और जो सा सरप्राइज है वो कह रहे हैं मैं खुद ही रिवील कर दूंगा तो उन्हें नहीं आना ऐसी कहा यार कर लेंगे खड़ी सानू। चलो जी अब आप लोगों ने इनका सरप्राइज देखना है फिर। चलो जी पहुंच गए। बिग सेलिब्रिटी भाई आगे प्रोटोकॉल जा रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे। A few moments later. चलो 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 ये लो मेरा भाई ये आप पहनो। चलो जी तेरा इंजन सिद्ध पालो
ये डोगर साहब में मोहब्बत है ना जी, मोहब्बत ना ही आना है ना। जब डोगर साहब मोहब्बत ना करें तो क्यों कोई आवे? डोगर साहब वाते मोहब्बत करते हैं, वाते अपने भाइयों तो वाते मोहब्बत करते हैं, अपने जियां तो वाते ही ना जी सकते, इसलिए डोगर साहब जी सारे हैं ना। अली शेर है सब साढ़े अरका। हाँ जी माड़ा भरा जी, गल जी कराओ फिर काम कराओ जी, काम कराओ अली शेर ते ना दफ्तर में जरा चाय शेर मांग करना है जी, करना पांच आगे करना है। चलो अल्लाह अच्छा जी, जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले तो माशाल्लाह से मेरा मोबाइल बंद हो गया बिकॉज उसकी बैटरी लो थी। तो खैर मैंने भी जोन से हैवल का जोन सा था माशाल्लाह से, वो क्या कहते हैं वो वायरलेस चार्जर, वहाँ पर फ़ोन रखा तो थोड़ा बहुत आसरा हो गया, बट मैंने आगे काम शुरू कर दिया। जैसे ही हम लोग ऑफिस पहुँचे तो जी असर का टाइम हो गया था, तो सोचा पहले नमाज फिर बाकी काम बाद में। खैर पहुँचे तो पहले ही लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो सोचा हम भी पढ़ लें नमाज़। नमाज़ पढ़ने के बाद जी दस्ती पहुँचे ऊपर ऑफिस में, बिकॉज पहले ही मतलब हमारे जो उनसे ग्रुप के मेंबर्स थे वो लोग पहले जाकर बैठे हुए थे, तो हमने भी जाना था भैया उनके साथ ही। तो खैर पहुँचे उनके पास, यार अभी मैं बैठा भी नहीं था तो फ़ौरन ऊपर चले गए बिकॉज सारे ऊपर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मैं भी चला जाता हूँ ऊपर, चल के देखते हैं इनका क्या निज़ाम है ऊपर जी। इनका कोई ऑफिस था बड़ा ही VIP ललन टॉप करके बना हुआ था, चलो देखो आप लोग भी देखो इन्जॉय करो। माशाल्लाह यूट्यूबर है जी, बड़ा बड़ा है जी यूट्यूबर है। माशाल्लाह जब पार्टी प्यारी गाड़ी दी थी ना दी सोनी रजब पार्टी की गाड़ी आ रही है, जब शोरूम ही रजब पार्टी है और रजब पार्टी की गाड़ी आ रही है माशाल्लाह, कार दूं का मालिक है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी थी रजब। अच्छा वेट करो वेट करो, बताता हूँ ये हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं आप लोगों को बताता चलूँ बिकॉज मुझे खुद नहीं पता ये क्या हो रहा है। पता नहीं कोई पेपर शेपर देख रहे थे, कोई इनका सीन पार था, यू नो गाइज के मुझे मतलब इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं बस हाँ मैं सर हिलाता गया, मैंने कहा हाँ मज़ा आ रहा है यहाँ पर वो हो। तो खैर यहाँ पर जी अपनी डिस्कशन वगैरह करते रहे, मैं सुनता रहा, मैं भी साथ खड़ा हुआ, मैंने कहा चलो कब ख़त्म होगी देखते हैं क्या सीन है। ये देखो मैं भी देख रहा हूँ बस ऐसे ही ये हाँ ओके हाँ ऐसे ही होता है। तो खैर वहाँ से ऊपर से फ्री होकर दस्ती हम लोग आ गए नीचे वाले ऑफिस में, तो जी डिस्कशन वगैरह होने लगी, मैं पास बस बैठा सुन रहा था, बड़ी ही पते वाली बातें भाईजान सुनने को मिली, आप लोग भी सुन लो चाहे जिंदगी में कहीं काम आ जाए आप लोगों के भी भाई। इंसान ना आप ठीक है ना, मैं तुम निशानी दसा अच्छे बंदे दी, मेरे ना काफी दोस्त माड़े ने जिन्हों मैं नाल कोशिश करना नाल अटैच करना कि भी थोड़े जे डिवेलप होन अच्छे होन, इन्हों का भी कोई निदान चले, जिस तरह के तुम सारे छो बारी ले लो, बारी है ना शुरू तो 16 साल का बंदा मैं होर भी काफ़ी दोस्त ने, मैं जो देखना ना यार माड़े हालात तो मैंने दुख हों अंदरू दुख हों यार क्यों माड़े बोलने इन्हों आ गया ये क्यों नहीं मेरे तरह होंगे, तो उन्होंने मैं बेटा ये तरह पहले मैंने नवाजता पे ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੈਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1-2 ਘੰਟੇ ਚਲੀ, ਮੈਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਗਾ ਦੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਖੈਰ खाना खाना खाया मैंने वहाँ पर, खाने की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की यार अच्छा नहीं लगता इतने लोग बैठे हुए हैं बीच में, मैं पागलों की तरह कैमरा उठा के कहूँ गाइस ये मैं खाना खा रहा हूँ बट नहीं। खैर खाना खुना खाया फिर जी निकलने का टाइम हो गया हमारे। डोगर साहब माशाल्लाह प्रोटोकॉल ही मिली जा रहा भी उन्हों किसे साडा रुपया लगता ही नहीं ना मेरा लगता तो ना मेरे बंदे का लगन दिंदे क्योंकि ਅਸੀਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਲਕ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਤੋਂ ਇਹ ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰਿਸ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਾਡੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਝੂੜਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ
कभी नहीं इन्होंने रोकी। जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, और अल्लाह तला का करम है और फजल है साढ़े ते। अल्लाह तला इंजी रखे ते कार दून अल्लाह तला आबाद रखे, कार दून इंजी समझ लो जिम्मे डोगर मोटर की दूजी शाल। ये जी डोगर मोटर साहब का ही कार दून है, डोगर मोटर ही कार दून चले गए। यार आज वैसे ना मजा आ गया, क्या ही इस्तकबाल था, कितना ही अच्छा था यार, मजा आ गया। लाइक सुनाओ फिर, मजा आ गया, चस आ गया। हम भी इनका ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सरप्राइज क्या था जी, हमारे जो कार जून एक्स डोगर मोटर का जो मीटअप था उसका मेन रीजन क्या है जी? मेन रीजन फिर मैं आगे जाके बताऊंगा, इसमें अवेल नहीं करेंगे, आगे जाके बताऊंगा। मतलब उसमें फायदा किसका है? फायदा आवाम का, लोगों का, लोगों का फायदा। अच्छा, तो बिग सरप्राइज कमिंग सून, पूरी कार जून फैमिली का फायदा होगा। अच्छा हाँ, जो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह पूरी कार जून फैमिली का फायदा होगा। हम इन्वेस्टर को और किसी को फायदा नहीं, कार्जून फैमिली, कार्जून का जो गाहक है पर्सनल या वॉकिंग या जो भी कार्जून पे आएगा उसका फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो कब बुला रहे हैं फिर डोगर साहब को? इंशाल्लाह अनकरीब। अच्छा अच्छा जी, खैर फिलहाल जी यहाँ पर जी करते हैं व्लॉग एंड। वाकई यार उन्होंने ना कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे इस्तकबाल से लेकर प्रॉपर ऑल विजिट तक में, ऐसे मजा आ गया, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे वाकई में, बहुत अच्छे। अच्छा जी, खैर फिलहाल जी करते हैं यहाँ पर व्लॉग को एंड। उम्मीद होगी जी पसंद आया, पसंद आया तो चैनल को करो अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर, ताकि मजीद सब्सक्राइबर इसमें हैदिस फैमिली में ऐड हो सके और हम एज सून एज पॉसिबल 150 के या 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सके इंशाल्लाह। तो कह दें सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो खैर मिलते हैं कल, टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।